हेलो फ्रेंड्स, मधु नीटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये बुनाई लेके आई हूँ। इसमें जो है फोर फंदों के मल्टीपल फंदे पड़ते हैं, फोर 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 करके, तो इसमें मैंने 32 फंदे डाले हुए हैं। अब जो है इसमें मैंने चार रो बेसिक निकाल दी हैं। ये बुनाई उल्टे साइड शुरू होती है, तो एक रो और एक्स्ट्रा निकाली तो पाँच रो हो गई हैं इसमें सीधे उल्टे की। चाहे तो आप बॉर्डर बनाइए, चाहे जिस तरीके से, मैं क्योंकि सैंपल बना के आपको सिखा रही हूँ तो मैंने सीधे सीधे फंदे निकाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स, सिक्स रो की ये बुनाई है, तो देखिए कैसे बना रहे हैं। एक फंदा तो एज इट इज का उल्टा बना लेंगे क्योंकि ये उल्टी सिलाई है, ठीक है। अब धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, फिर धागा दूसरी साइड, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे। तो ये देखिए, एक एज इट इज को छोड़ के दो फंदे सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, इस तरीके से हम अपनी पूरी रो निकाल देंगे। तो चलिए निकालते हैं पूरी रो। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी सेकंड रो पे आ गए सीधे साइड। तो ये एज इट इज का फंदा और ये सीधा फंदा, ऐसे बुना, जो जैसा फंदा दिख रहा है उसको वैसे ही बनूंगे। अब ये दो फंदे उल्टे, इस तरीके से जो उल्टा है वो उल्टा, जो उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बनाएंगे, जो सीधा दिख रहा है उसको हम सीधा बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सिक्स रो की बुनाई है फ्रेंड्स। तो ये हमारी सेकंड रो चल रही है, रो नंबर टू। तो देखिए, अब हम इसको ऐसा पूरा बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सेकंड रो भी कंप्लीट हुई हमारी। अब थर्ड रो भी इसी तरह कंप्लीट करेंगे हम, जैसे फर्स्ट रो करी थी हमने। जो जैसा फंदा दिख रहा है उसको वैसे ही करेंगे। तो ये देखिए हमारी थर्ड रो, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा, इस तरीके से। तो चलिए हम बनाते हैं इसको, पूरा बना के आपको दिखाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, अब हम अपनी जो है फोर्थ रो पे आ गए हैं। तो फोर्थ रो कैसे बनानी है देखिए। पहला फंदा तो स्लिप, अब ये दूसरा फंदा भी हम बना देंगे और ये दोनों फंदे भी, तीन फंदे हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है। अब धागा पीछे करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वन टू थ्री, ये थ्री रो नीचे, ये जो धागा दिख रहा है आपको, ये सीधे फंदे के बगल में, वन टू और ये थ्री। तो थ्री रो में यहाँ पे जो है हम सिलाई डालेंगे और ये फंदा लूप जो है एक्स्ट्रा निकालेंगे हम ऐसे, ठीक है, थोड़ा लूज रखिएगा। और ये दो फंदे हमने सीधे बना दिए, ठीक है, ऐसे। ये देखिए टाइट हो गया ना, थोड़ा सा लूज रखिएगा इसको। अब यहाँ पर भी वन टू थ्री, यहाँ से नीचे से लूप ले लेंगे थ्री फंदों को नीचे से। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से, पहले लूप लिया हमने थ्री फंदों नीचे से, फिर दो फंदे बीच के सीधे बनाए, फिर लूप लिया। अब धागा आगे करके ये दो फंदे उल्टे, ठीक है। अब फिर से धागा पीछे करेंगे और वन टू थ्री, तो यहाँ से हमने ये लूप ले लिया, ये देखिए ऐसे करके, ठीक है, और दो फंदे हमने सीधे बनाए। अब यहाँ से वन टू थ्री, तो ये हमने ऐसे करके लूप ले लिया, ठीक है। अब देखिए दो फंदे उल्टे इस तरीके से, फिर से ऐसे ही करेंगे वन टू थ्री,
वन टू थ्री। तो इसी तरीके से हम अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, रो नंबर 5 पे आ गए हम, उल्टे साइड। उल्टे साइड कैसे करना है ये देखिए, बताती हूँ आपको। तो ये स्लिप किया फंदा और दो फंदे सीधे, 5 नंबर रो है फ्रेंड्स। अब ये देखिए, जो हमने लूप निकाला था नीचे से, उस फंदे को हम धागा अपने साइड रख के ऐसे करके स्लिप करेंगे, ठीक है। अब ये उल्टे फंदे दिख रहे हैं बीच के, तो वो उनको हम उल्टा बनाएंगे। फिर से ये स्लिप कर लिया हमने, जो हमने लूप लिया था, और ये सीधे फंदे दिख रहे हैं हमें, तो सीधे लेंगे ऐसे। फिर धागा आगे, लूप वाला स्लिप, दो फंदे उल्टे, फिर लूप वाला स्लिप, धागा पीछे किया और दो फंदे सीधे, फिर धागा आगे और ये लूप वाला स्लिप किया और ये दो उल्टे बनाए जो हमें उल्टे दिख रहे थे इस तरीके से, और ये लूप वाला स्लिप किया, देखिए अपने साइड धागा करके लूप वाला हमने फंदा स्लिप किया और ये दो फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं, तो हम इसको सीधा बनाएंगे, 1 2। तो इसी तरीके से फ्रेंड ये हम अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम अपने 6 रो पे आ गए हैं। तो ये एज इट इज का, और ये दो फंदे उल्टे बुने हमने, ठीक है। ये देखिए, अब धागा पीछे किया, अब ये हम 4 फंदे, जो दो लूप के और दो बीच के, तो इसको ऐसे करके बैक लूप से इसको ऐसे करा, ऐसे एक फंदा बनाया, इसमें हमें दो फंदे बनाने हैं। अभी हम इसको गिराएंगे नहीं इन 4 फंदों को, ठीक है। अब हम आगे से फ्रंट लूप से ऐसे बनाएंगे एक और फंदा, तो ये हमारे 2 हो गए। अब हम इनको स्लिप कर देंगे, तो ये हमारा इस तरीके का बन गया, ठीक है। अब फिर से देखिए एक बार, ये दो फंदे उल्टे ऐसे। अब फिर से एक बार, ये 4 2 बैक लूप के, ये बैक लूप का, ये बैक लूप का, और बीच के 2 सीधे, तो इन 4 को हमने ऐसे करके बैक लूप से एक बनाया, ठीक है, एक फंदा बनाया। अभी स्लिप नहीं करना है हमें। अब हम फिर से फ्रंट लूप से इस तरीके से, ये देखिए ऐसे करके ऐसे बना लेंगे और इसको स्लिप कर देंगे। जब 2 4 के 2 बनाए हमने फंदे, इस तरीके से स्लिप हो गया हमारा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमको इनको बनाना है। अब फिर से 2 फंदे उल्टे बना दिए हमने, फिर से देखिए ऐसे स्लिप किया, ऐसे करके 4 को एक में लेके बैक लूप से एक बनाया, क्योंकि हमें इसमें 2 फंदे बनाने। अब देखिए इस तरीके से आगे से फ्रंट से लेके सिलाई के ऊपर से धागा निकाल के ये फ्रंट लूप से बन गया, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, फिर से ये 4 फंदे लिए हमने और बैक लूप से एक फंदा बनाया, सॉरी एक फंदा छूट गया, ऐसे करके ये बनाया और ये बना दिया एक फंदा हमने ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुनाई इस तरह से आ रही है। अब देखिए फिर से यही रिपीट होगा पूरी सिलाई में पैटर्न इसी तरीके से। अब ये देखिए आप ऐसे करके बैक लूप से और ये फ्रंट लूप से इसको स्लिप कर दिए, फिर से 1 2
टू, इसको बैक लूप से बनाएंगे फिर से, चार फंदों का एक फंदा ऐसे, और इस तरीके से दूसरा फंदा स्लिप कर दिया हमने। ये देखिए ये हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई और इस तरीके की हमारी बुनाई दिख रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर बुनाई लगती है। अब हम फिर से 1, 2, 6 रो कंप्लीट करेंगे। तीन सिलाई इस साइड से, उल्टे साइड से बता देते हैं आपको। देखिए तो ये देखिए रो 1 ही हमारी स्टार्ट होगी। रो 1 से हम कैसे बनाएंगे, ये एक फंदा तो एज इट इज का स्लिप किया और दो फंदे सीधे उल्टे साइड से, फिर दो उल्टे, ये देखिए उल्टे साइड से ये बुनाई शुरू होती है फ्रेंड्स। इस तरीके से ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी कंप्लीट फर्स्ट रो। अब बाकी की टू रो और हम उल्टे सीधे, दो उल्टे दो उल्टे सीधे बनाएंगे, फिर आगे से ये थर्ड लूप से हम ये फंदा उठाएंगे लूप। तो मैं आपको बना के और दिखा देती हूँ जिससे आपको ये बुनाई क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बना के लाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इतना रो निकाल के यहाँ पर मैंने आपको छोड़ा था, फिर मैंने और सिक्स रो इतना पैटर्न और आगे बढ़ा दिया। तो ये पूरा पैटर्न इस तरह से लगता है फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर पैटर्न लगता है ये। तो आप अपने किसी भी स्वेटर में डालिए, लेडीज जेंट्स बच्चों के किसी में भी डालिए आप, बहुत सुंदर पैटर्न लगता है फ्रेंड्स। तो आप बनाइए इसको, और ये उल्टे साइड से इस तरीके की दिखती है देखिए। तो आप इसको बनाइए और इन्जॉय कीजिए, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको किस तरीके की बुनाई लगी। आप कमेंट भी शेयर कीजिए फ्रेंड्स, क्या करिए, बहुत मेहनत लगती है बुनाई बनाने में। जब आपके कमेंट मिलते हैं अच्छे अच्छे तो खुशी होती है मन को। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय बाय।